नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ सिधाई थाने की पुलिस ने मंगलवार को क्षेत्र के इटौरा स्थित जिला कारागार में मादक पदार्थ की आपूर्ति करने जा रही चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिलाओं के कब्जे से पुलिस ने झोले में रखी सब्जी के नीचे छिपाए गए 4 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार महिलाओं में से 3 सगी बहन बताई गई हैं। बताते चले कि इटौरा जेल मोड़ पर मंगलवार की सुबह ऑटो रिक्शा से उतरी चार महिलाएं नजदीक स्थित रेस्टोरेंट में बैठकर आपस में जेल के अंदर बंद कुछ लोगों को गांजा पहुंचाने की बात करते किसी ने सुना और इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और इस बात को क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा को जानकारी देते हुए उन्हें मौके पर बुलाया गया। क्षेत्राधिकारी के पहुंचने पर पुलिस ने जेल की ओर जा रही चारों महिलाओं को रोका और साथ रही महिला आरक्षियों की मदद से उनके साथ रहे झोलों की तलाशी ली गई। इस दौरान झोलों में रखी सब्जी के नीचे छिपाए गए 4 किलोग्राम गांजा की बरामदगी के साथ ही 2 महिलाओं के पास मिले 5,000 रुपए भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पकड़ी गई महिलाओं में शबनम सवाना व सहनाज पुत्रीगढ़ सदरुद्दीन तथा मदीना पत्नी मुंजिर ग्राम बरहतील जगदीशपुर थाना क्षेत्र जहानागंज की रहने वाली हैं। पकड़ी गई सवाना से पूछताछ में बताया कि उसकी बहनोई इस्माइल जिला कारागार में बंद है और जेल में बंद बहनोई के दोस्त अरमान पुत्र दिलसार निवासी ग्राम नोहरा थाना क्षेत्र दीदारगंज के कहने पर सभी उनको गांजा खरीद कर जेल में पहुंचाने जा रही थी। सभी के खिलाफ सिधाई थाने में NDPS एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की गई है। आज चार महिलाओं की गिरफ्तारी जिला कारागार आजमगढ़ के बाहर से करी गई है और इनसे 4 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस को चार महिलाओं की गतिविधि संदिग्ध लगी, जिसमें महिला कांस्टेबल्स को बुलाया गया और उन महिलाओं की तलाशी ली गई, जिसमें ये संज्ञान में आया कि ये महिलाएं 4 किलो गांजा लेकर आई थी और इनको 2 व्यक्ति जिनका नाम अरमान व इस्माइल है, इनको जेल के अंदर इनको सप्लाई करना था। इन चारों की गिरफ्तारी करी गई और पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जाएगा, इनके पास गांजा कहाँ से आया और कौन कौन इस प्रकरण में संलिप्त है, सभी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।